Krishna Padan Sahagandralita Sri Visakalita Ansa Omai Jnanati Viramdasya Jnananjana Salakya Chakshurun Vitam Vijayana Tasma Isri Guravina Namayam Gurudeva Ayatimate Samangatai Sri Sri Madhu Bhakti Sri Rupa Siddhanti Prabhu Sri Mahatmani Namayam Vishnu Padaya Radhika Ayre Priyatmani Sri Sri Madhu Bhakti Vedanta Nara Ayashtinam Namayam Vishnu Padaya Charja Sri Rupa Sri Sri Madhu Bhakti Pradhyana Kesavastinam Adhimartya Charitraya Swastita Anancha Palini Jiva Dukhe Sadatraya Sri Nam Premadaya Namaya Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Rimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Rivarsha Bhaja Vidaya Vidaya Daya Kripadvaya Krishna Samadha Vikana Daini Prabhavina Madhurya Jala Premata Sri Rupa Anuga Bhaktita Sri Gaura Karna Sakti Vikrahaya Namastute Namaste Gauravani Sri Murtai Dinatarini Sri Rupana Gaurudhapa Siddhanta Tanta Harini Namo Gaurukishwaraya Sakshata Virakya Murtai Vikralambada Samudai Pada Mujayati Namo Namo Bhakti Vinataya Sachidananda Namini Gaura Sakti Swarupaya Rupanu Gaurayati Gauravani Bhavishtanga Krishna Swajanatriya Vaishnava Sarvabhum Sri Jagannathaya Tinam Panchakalapsarvasya Kripa Sindhu Vayavacha Patitanam Pavane Vaishnavibho Namanam Vrindaya Tulasidharpaya Priyaya Kesavasacha Krishna Bhakti Pradevi Sattavatai Namonam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Kaurabhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Te Chaturmukha, I am Krishna Seva, Brahma Hare Te Naya, Te Thank you.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्रेयति मति नहि इसमें चलो कौन सा इसमें कौन सा है जय जय अद्वैत आचार्य अरे या विद्या इसमें नहीं इसमें जय जय अद्वैता चार्य दया Thank you.
का पद है, जैसे शाम को अभी जो भजन है वो शाम का है, ऐसे सवेर हरे कृष्णा Ram 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 Ram
कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीलाओं पर कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्रीलो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग एक ग्रंथ सुनेंगे जो ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादम्बिनी। क्या नाम है? माधुर्य कादम्बिनी। माधुर्य कादम्बिनी। कभी ये ग्रंथ हमारे संप्रदाय में एक अनमोल ग्रंथ है, एक अद्भुत ग्रंथ है। ये हमारे संप्रदाय में कदे ग्रंथों को रचना किसने किया? बोले श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। कहते ये कौन है? कहते ये श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला में जो श्री रूप गोस्वामी थे इन्होंने। बोले श्री रूप गोस्वामी कौन है? इसलिए महाप्रभु इनका नाम क्या? रूप। क्या नाम दिया? रूप। रूप रूप का मतलब क्या होता है? इसलिए कहती है सबका रूप है। श्री कृष्ण का भी रूप है, श्री राधा जी की भी रूप है, ये श्री महाप्रभु का भी रूप है, नित्यानंद प्रभु का भी रूप, स्वरूप दामोदर का रूप, अद्वैत आचार्य का रूप, गदाधर रूप, ये सबका रूप श्री ये रूप है। इसलिए कभी कर्णपुर इनके बारे में बताते हैं, बोले प्रिय स्वरूप दैत स्वरूप प्रेम स्वरूप ततान रूप स्विलास रूप। इसलिए उन्होंने कितने रूप इनका एक श्लोक में इनके रूप रूप की उन्होंने झड़ी लगा दी है। कहते इन्होंने महाप्रभु का रूप है, कहते प्रेम का रूप है, स्वर्ग दामोदर का रूप है। इसलिए कहते सबका जो रूप श्री रूप गोस्वामी। इसलिए इनमें बताया ततान रूप। ततान मतलब होता है विस्तार करना, जिन्होंने भगवान के लीला को जिसने विस्तार किया है, ठाकुर जी लीला को जो विस्तार किया। इसलिए भागवत में बताए बोले तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवय मुहंति जत सुर। इसलिए भगवान सर्वप्रथम जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ उन्होंने स्फूर्ति कराया, सब ज्ञान को उन्होंने स्फूर्ति कराया। बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तत गंच ग्रहणम गदितम। भगवान बोले हे ब्रह्मा जी, मैं तेरे हृदय में जो परम गुह्य जो ज्ञान है, ज्ञान तो कृष्ण भक्ति युक्त ज्ञान, परम ज्ञान जब श्री राधा जी को साथ में श्री कृष्ण हो। इसलिए ज्ञानों में तब विज्ञान समन्वितम सह रहस्यं च तदगन च किरणम गदितम। जब वो ज्ञान भक्ति युक्त ज्ञान हो और केवल राधा कृष्ण नहीं, जब उनको साथ में सब सखियां हो, उनके मंजरी परिकर हो, कहते वो सारे ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में उन्होंने स्फूर्ण कराया। कहते उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना सारे ज्ञान को उन्होंने श्री रूप गोस्वामी का हृदय उन्होंने संचार कराया। बोले कहाँ पर? बोले प्रयाग। प्रयाग में महाप्रभु वहीं पर रह करके महाप्रभु बोले देख रूप भक्ति रस एक अथाह समुद्र है, जिसका कोई आर नहीं, जिसकी कोई पार नहीं, लेकिन तुम्हें एक बूंद उसको मैं चखवा रहा। लेकिन उनके लिए तो एक बूंद, लेकिन हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए वो बहुत है। जैसे आप रसगुल्ला खाए हो कभी? खाए रसगुल्ला? आप देखना जिस रसगुल्ला में केवल जूस जूस हो, जिसमें केवल जूस जूस, जब मुंह में डालते हो ना, देखना किधर भी एक रस टपक पड़ता है, एक आध बूंद तो हमारे लिए इधर टपक पड़ता है, लेकिन चेटा चेटी के लिए बहुत है, चेटी के लिए बहुत है ना। उसी तरह महाप्रभु तो उन्होंने अथाह समुद्र भक्ति रस को उन्होंने रूप गोस्वामी को दिया, लेकिन हमारे जैसे चेटा चेटी के लिए नहीं, बहुत है।
हमारे लिए ये बहुत है, इसलिए महाप्रभु उनको हृदय में सब कुछ स्मरण कराया है और भक्ति की जो चाबी काटी उनका हाथ में सब दे दिया। ये जो प्रेम का जो भंडारा है उसका चाबी काठी में तैर कर देता। जैसे पिताजी के चार पांच बच्चे हो, बड़ा बिजनेस हो, लेकिन जिस ट्रेजरी में रुपया पैसा हो ना, पिताजी सबको वो चाबी काठी नहीं दे देगा, किसको देगा? जिसको देने पर बिजनेस को जो आगे बढ़ा सकता है, जो दिन भर पी पा करके पड़ता है सिगरेट फूके चुहा के लिए, पिताजी उसका हाथ में देगा, इसे पूरा सत्यानाश कर देगा। लेकिन ऐसे बेटे को देगा जो पैसा कभी इधर उधर बर्बाद नहीं करे, बिजनेस को धीरे 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 आगे को बिजनेस को बढ़ाए, तभी पिता उसको चाबी काठी उसे प्रदान करेगा। इसलिए महाप्रभु ने देखा अगर ये रूप का अगर हमें चाबी काठी देता हूँ ना, फिर तो हमने क्या करेगा, भक्ति राज्य को है को फैलाएगा को फैलाएगा। इसलिए उन्होंने चाबी काठी श्री रूप गोस्वामी को हाथ में दिए हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु का जो हृदय को समझने वाले, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदामरियम ददाति सुखदाति। महाप्रभु का जो मन की जो इच्छाओं को जो पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी, इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, उज्ज्वल निर्मल लिखा और उन्होंने लघु भागवत अमृतम लिखा, बहुत बहुत ग्रंथ हमारी संप्रदाय में लिखी। कहते वही रूप गोस्वामी फिर को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में दोबारा आते हैं। बोले क्यों? कहते ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस समुद्र के वो सिंधु, अगर किसके पास में समय नहीं हो और थोड़ी सी समय पर समझना चाहते हैं, फिर इन्होंने उसको बिंदु बना दिया, उसको सिंधु का समुद्र को उन्होंने बिंदु बना दिया। फिर उन्होंने लघु भगवत अमृत कणा बना दिया, हाँ उज्ज्वल निर्मल किरण कण जो बड़े बड़े ग्रंथ बनाए थे ना, उसको आकर के फिर छोटे छोटे ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया, जैसे थोड़ी से समय में जीव उसको समझ पाए। तो उन्होंने ही ये जो ग्रंथ को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या चक्रवर्ती मतलब हम कहते ना कि युधिष्ठिर महाराज उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती मतलब क्या? संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में जो राज्य कर रहे थे, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर। कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उसी समय संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में भक्ति जगत में पूरा राज्य करने वाले हैं। विश्वनाथ मतलब विश्व का जो नाथ है वो श्री विश्वनाथ। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ को बनाए। पहले ये ग्रंथ क्यों बनाए, कारण क्या? कहते श्री रूप गोस्वामी पहले भक्ति का उन्होंने स्तर बता कर गए, भक्ति की स्तर को उन्होंने बता कर गए। भक्ति जगत का सबसे पहला स्टेज बोले श्रद्धा, सबसे पहले ये श्रद्धा है। कहते ये श्रद्धा भी दो तरह का है, एक तो शास्त्रीय श्रद्धा और एक है लौकिक श्रद्धा। अभी हमारे अंदर में जो श्रद्धा है ना, ये लौकिक श्रद्धा है, साधारण श्रद्धा है। कभी कभी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, भले कोई चीज को छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला छोड़ दे, खाना नहीं छोड़े, पहनना नहीं छोड़े, घूमना नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो सारी चीज को करेंगे, लेकिन माला ही पहले सबसे पहले माला छोड़ देंगे। ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, मतलब माला छोड़ने के लिए हम बैठे, कभी भक्ति का छूटे, हाँ भक्ति कब हमारी छूट जाए, जैसे माला छोड़ने के लिए पहले से हम तैयारी बैठे, मतलब इसलिए जो भक्ति है ना ये सुदुर्लभ है, हाँ इसलिए श्री रूप गोस्वामी बताए सुदुर्लभ ये भक्ति अत्यंत अत्यंत सुदुर्लभ है अत्यंत। इसलिए प्रभुपाद का समय में कोई एक ब्रह्मचर्य चला गया, किसने जाकर के प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जो ब्रह्मचारी मठ में था ना वो चला गया। तो प्रभुपाद कहते जो गया तो गया, लेकिन जो अभी है मैं सोच रहा हूँ अभी तक वो है कैसे मठ में, अभी तक वो कैसे मठ में है। इसका मतलब है प्रभुपाद ये बताना चाहते थे जो भक्ति है वो
वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ, नहीं कहते सो दुर्लभ। इसलिए मेरे जो गुरुदेव कहते थे, भैया किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव का चरण पकड़ करके रहो, भले ही दुनिया छूट जाए, एक दिन तो छूटेगा दुनिया तुमसे, नहीं चाहने पर दुनिया तुम्हें छोड़ ही देगा, एक दिन दुनिया तुम्हें छोड़ ही देगा। इसलिए दुनिया छूट जाए लेकिन भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों का सौभाग्य से महाप्रभु कहते ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में। करोड़ों करोड़ों जन्म से हम भगवान से बिछड़ तो भी संसार चक्र में भटक रहे, कोई सौभाग्यवान व्यक्ति को किसी सदगुरु शुद्ध वैष्णव के साथ उनकी दर्शन मिलता है। हाँ, ये भक्ति लता जो बीज है, बड़े भाग्य से ये भक्ति लता बीज मिलता। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, देखो किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव का चरण में पड़े रहो, किसी तरह से एक जीवन बिता दो, कुछ आगे नहीं हो, आगे कुछ होने का जरूरत नहीं है भक्ति में, केवल एक जीवन। जैसे सवेरे उठते हो, स्नान करते हैं, तिलक करते हैं, आरती में आते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हो, तुलसी परिक्रमा तुलसी में पानी देते हो, थोड़ी सी हरि नाम करते हो, यही करते रहो बस। मेरे गुरु जी कहते थे, अगर ऐसे करते 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 एक जीवन पर बीत गए, मतलब तुम्हारा जो नीम है ना पक्का हो, ये धीरे धीरे अंदर भी संस्कार बनते जा रहे हैं। रोज जो जो काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी संस्कार है, ये बहुत बड़ी एक संस्कार अंदर में बढ़ रहा है। क्यों? हम अनादिकाल से विषय से भटक रहे हैं। जैसे देखो आप लोग मंदिर में आए, कथा सुन रहे हो, आर्य दर्शन किया, जय बोल किया, हम सोच नहीं सकते इसकी इतनी महिमा, इतनी महिमा। सबर से जब से आए हो तब से देखना, केवल आपका मन कहाँ पर ठाकुर जी और किसी, लेकिन जो संसार में रह रहे उसका मन कहाँ पर, दुनिया में माया में, लेकिन आपका मन कहाँ पर ठाकुर जी है। पूरा पूरा दो घंटा जैसे यहाँ रहोगे ना, पूरा की पूरा भगवान की, जैसे जो जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में पहले क्या करते, चाबी दे देते हैं, चाबी लगा देते, फिर वो 24 घंटा काम करता था, फिर दूसरे दिन क्या करते, फिर दोबारा चाबी देते थे। ऐसे आप एकदम घड़ी में आपको चाबी दे देते, अभी पूरा 24 घंटा चलेगा, ये चाबी दे दिया ना, 24 घंटा अभी काम कर। सबर का जो जो प्रेशर है, सबर का जो छाप है ना, वो पूरा दिन भर चलते रहेगा है। और इसकी जो संस्कार है, केवल आपकी एकट हो रही है, केवल ये एकट हो रही है, बढ़ते बढ़ते इसलिए विराज देखती है ना, दिन दिन बढ़ो पायो जी मैंने राम रतना धन पायो, ठीक है ना। इसलिए मेरे गुरु जी कहते हैं, एक जीवन गुरु वैष्णव का चरण में पड़े रहो है। इसलिए हमें लात मार कर भगा देने पर भी भागना नहीं, अगर गुरु वैष्णव लात मार कर भगा देना, भागना नहीं। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे कुत्ते होते हैं ना, जैसे कुत्ता है, आप सब मार कर भगा, फिर कुत्ता क्या करेगा, वही आएगा और कहीं जाएगा नहीं, वो घूम घाम कर वही वही आएगा है। इसलिए श्री हमारे लोचन दास ठाकुर कहते हैं, यदि वैष्णव घर रे है ताम कुकुर एंट्र दिया तारा है तो वैष्णव ठाकुर। मतलब है, अगर वैष्णव घर में कुत्ते रूप में जन्म ले लेना, वो भी बड़ा भाग्य की बात है, क्योंकि जो वैष्णव भगवान का प्रसाद पाते हैं, पहले ठाकुर को भोग लगाएंगे, फिर गुरु जी को, फिर वैष्णव को, फिर खाएंगे, फिर फेंकेंगे, तो सबका भी आधरा भर के तो प्रसाद में है। अगर कहते वैष्णव घर में कुत्ते अगर हो जाए ना, बस उसका भी उधार, कुत्ते को सबका झूठा, सब वैष्णव का झूठा उसको मिलता है, वो भाग्यवान से कोई, वैष्णव घर में कुत्ता भी बड़े भाग्यवान से होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, भैया किसी तरह से एक जीवन को भक्ति में बिता दो, भक्ति में बिता दो। इसलिए भक्ति का जो पहला स्टेज है, कहती है श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, हैं? इसलिए ये श्रद्धा, उसके बाद में फिर साधु संग, उसके बाद में फिर भजन क्रिया शुरू होता है, उसके बाद में फिर अनर्थ निवृत्त होता है, फिर रुचि निष्ठा आसक्ति भाव होते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उन्होंने ये सब चीज को दिखाया, ये सब चीज को धीरे 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 उन्होंने दिखाया। अभी
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में फिर आए आ करके भैया श्रद्धा कहते हैं किसको। श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? जब हम भक्ति करने के लिए जाते हैं फिर भक्ति में कितने तरह तरह का बाधाएं आती हैं, अरे वो सारी चीजें आगे आएगी। कैसे पहले उत्साह कैसे होता है, अरे समझा आज तो भगवान हमें मिल गई। पहले जब भक्ति में आ जाए है ना, पहले जब भक्ति में आ जाए लगता है भगवान हमें मिल गए। हाँ भगवान थोड़ी हमारे चुटकी बजाते भगवान आ जाए, उसको इतने उत्साह रहता है भक्ति में, इतने उत्साह रहती है जो सुनेगा बोले रोज एक एक लाख हरिनाम करेंगे, एक लाख हरिनाम किए बगैर सोएंगे नहीं है, एक लाख। और वैष्णव लोग जो खा करके फेंक देंगे उसमें ही उठा करके खाएंगे हैं, रात भर सोएंगे नहीं। मैं भी ऐसे किया कुछ दिन है ऐसे, लेकिन कुछ दिन बाद में ना फिर जो घना फिर तरल तरल होना शुरू हो जाता है, वो जो घना था ना धीरे धीरे पतला होने शुरू हो जाता है। पहले मंदिर में आए तिलक लगाया भजन के कुछ दिन बाद में धीरे धीरे वो कहाँ गई मुझे पता नहीं, कहाँ कहाँ गायब हो गए, कहाँ वो गायब हो गए। इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए भक्ति, भक्ति होनी चाहिए एकदम पक्की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो श्रद्धा किसको कहते हैं, साधु संग किसको कहते हैं, भजन क्रिया किसको कहते हैं, हैं रुचि किसको कहते हैं, निष्ठा किसको कहते हैं, उसका उन्होंने डेफिनेशन दिया है। इसको डेफिनेशन देते फिर उन्होंने बताए हैं, जैसे उदाहरण गुरुदेव देते थे बैरोमीटर, बैरोमीटर किसको कहते हैं, दूध में कितना पानी और उसमें कितना दूध, अगर वो मशीन के डाल दो ना बता देगा इसमें इतने पानी और उसमें कितने दूध है। कभी जो माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ गुरुदेव करके बैरोमीटर है, ये हमें अपना आंखों में अंगूल लगा करके दिखा देगा तुम भक्ति में कहाँ पर। कभी कोई सोचते ना अरे भी हम बहुत बड़े बन गए हैं, हम तो बहुत बड़े साधु बन गए हैं, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ने पर पता चल जाएगा हम कितने बड़े साधु है, कितने बड़े हम साधु, सब कुछ ही बता देगा। जैसे क्लास वन में, क्लास टू में, क्लास थ्री में, क्लास फोर में, उसको मार्कशीट आता है ना, मार्कशीट आता है भैया तुमने पेपर में तुम्हारे इतने मार्क आया, इसमें ये मार्कशीट बता देगा तुमने जो एग्जाम दिया है तुम्हारा नंबर कितना आया, जीरो आया ना, एक आया ना, दो आया ना, दस आया ना, बीस आया, इसमें ये सारी चीज को इसमें बता देगा। हाँ फिर तुम्हें पता चलेगा भैया हम साधन में कितने दूर गए, फिर वो क्या करेगा, अगर उसको पता चल जाए भैया हम इस क्लास में मैंने पेपर दिया 50% आएंगे, अगली बार 60 लाऊंगा, उसके बाद 70 लाएंगे, उसके बाद 80 लाएंगे, फिर कोशिश करेंगे ना हमारे इतने कम मार्क क्यों आया, और थोड़ी सी मैं साधन करूँगा, और थोड़ी मैं साधन करने के लिए कोशिश करूँगा जैसे मेरी भजन धीरे 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 भजन जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे हमारी भक्ति बढ़ते रहे। इसलिए ये ग्रंथ जो है ना इसका नाम बैरोमीटर है, भक्ति जगत का ये बैरोमीटर है, ठीक है। इसलिए ये ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या रखा, बोले माधुर्य कादंबिनी, माधुर्य कादंबिनी लिखा है। बोले कादंबिनी मतलब किसको कहते हैं, कादंबिनी कहते मेघमाला, जैसे आकाश में मेघ होता है ना, इसलिए मेघ जब घनीभूत अवस्था धारण करे तभी वो बरसती है, ये बरसती है, इसलिए कहते माधुर्य मतलब कादंबिनी मतलब जो मेघ माला, जो मेघ जब इकट्ठे हो जाए, आप देखना बड़ी गर्मी जेठ का महीना बड़ी गर्मी है, हम एकदम ना छटपट करते हैं कि मानसून कब आए, मानसून कब आए, तो गर्मी में सब जैसे हतक्रस्त हो जाते हैं, सब कुछ इंतजार करते हुए मानसून आए मानसून आए। देखना यहाँ बारिश ही नहीं हुई, अगर दूर में कहीं बारिश ही होगा ना उसका ठंडी 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 हवा आने लग जाती है, पर हमें पता चलता भैया हमको जगह पर क्या हो बारिश कहीं पर होगी, तभी ये ठंडी ठंडी हवा, तभी तभी ठंडी ठंडी हवा बहती है। इसलिए जैसे उसी तरह ये जो माधुर्य जो कादंबिनी है कहते जो माधुर्य मतलब क्या, बोले मीठा, माधुर्य मतलब मीठा है। बोले भैया मीठा क्या है, बोले भगवान की जो कृपा, भगवान की जो करुणा, भगवान की जो आशीर्वाद करते यही माधुर्य है। अब विशेष करके भगवान की चार माधुर्य है, कितना माधुर्य है, चार, क्या दिया है,
लीला माधुर्य और रूप माधुर्य और गुण माधुर्य आप तो इतना लिखती हो, क्या लिखती हो काफी में माधुर्य रूप माधुर्य दो तो हो गए वेणु माधुर्य रूप तो हो गया बार बार रूप एक रह गया एक है उनका प्रेम प्रेम माधुर्य इसलिए भगवान की चार माधुर्य ये जो माधुर्य मतलब है भगवान की चारुता कृपा भगवान की स्वभाव भगवान की व्यवहार इस सब के सब मिठा है इसलिए श्री वल्लभाचार्य इसलिए एक भजन लिखते हैं मधुराष्टकम कहते ना आदरंग माधुरम वादनंग माधुरम हासितंग माधुरम नयनंग माधुरम हृदयंग माधुरम गमनंग माधुरम माधुराधिपते राखिलंग माधुरम भगवान की सब मिठाई मिठाई इसलिए जिनको वेद में बताया रसो वैसो भगवान जैसे पूरा रसी जैसे जैसे रसगुल्ला जैसे गुलाब जामुन करना जिधर खाओगे उधर ही मिठाई मिठाई इसलिए जिधर खाओ ना रसगुल्ला रसगुल्ला कब होता है जो गुल्ले को रस मिला क्या बन जाएगा रसगुल्ला रसगुल्ला क्या भगवान ऐसे ही बोले नहीं उस स्वयं रस स्वरूप है स्वयं रस स्वरूप भगवान ही इसलिए वो अखिल रसामृत मूर्ति सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्णचंद्र इसलिए यहाँ जो माधुर्य का आदर ने बताया बोले भैया किस चीज की मेघमाला है बोले भगवान की मधुरता की मेघमाला इसलिए पहला माधुर्य है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कलोलवादी पहला उनकी माधुर्य लीला माधुर्य कहते लीला माधुर्य में सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा लीला भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला है रास मतलब रस ही रस है रास मतलब जहाँ पर कभी रस ही रस है उसको रास कहते हैं इसलिए भगवान खुद कहते हैं भैया मैं स्वयं ये रासलीला के बारे में सुन करके ना मेरा मन में पता नहीं क्या क्या होने लगता है जब रासलीला में श्री राधा जी की सर्वश्रेष्ठत्व स्थापना की गोपियों की सर्वश्रेष्ठता को इसलिए केवल रासलीला कौन किया बोले कृष्ण ही केवल ये रासलीला की है इसलिए पहला इनका माधुर्य लीला माधुर्य और लीला माधुर्य भी उनको जितने लीला जो सख्य रस का वात्सल्य रस का इतने कृष्ण जितने वशीभूत हुए और कोई भी भगवान इतने वशीभूत नहीं हुए क्यों भगवान वशीभूत हुए प्रेम प्रेम में भगवान वशीभूत हो गए उनका लीला माधुर्य दूसरा माधुर्य क्या है उनकी उनके वेणु माधुर्य बोले त्रिजगत मानसा कर श्री मुरली कल पूजित बंसुरी किसने नहीं बजाया केवल बंसी बार ने ही बंसुरी बजाया है बंसी बार है इसलिए पूरा पूरा भागवत में कृष्ण को हमको भी कृष्ण के अधर में हमारी अधिकारी देखो ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके सारे रस को तेल चूस रहा है कृष्ण का होठ कितने सुंदर है हाँ बिंब फल जैसे लेकिन सारे रस चूस चूस कर नीला हो गया कभी हाथ में कभी कमर में कभी आधर में कभी तो बंसुरी को कृष्ण छोड़ते नहीं है इसलिए अगले जीवन में और मैं राधा नहीं बन करके आऊंगी मैं क्या बन करके आऊंगी बोले बंसुरी बन करके आऊंगी पर कृष्ण हमें हर समय अपना पास में रखा करेंगे किसी ने कहा तो बंसुरी बन करके आओगे कृष्ण को कैसे पता चलेगा तुम वही राधा हो अभी तो बंसुरी बन करके आए बोले कृष्ण समझाते वो पहचान लेंगे मेरे को मैं वही राधा हूँ अभी मैं बंसुरी बन करके मैं आए इसलिए कृष्ण बंसी ध्वनि की चमत्कार का उसने बताया
कैसे सबके सब बछड़े दूध बिना भूल जाते, गैया घास खाना भूल जाती, आकाश में मिटमिट जैसे कोहरा होते हैं ना, कृष्ण का रंग देखकर मेघ भी आकाश में आ जाते हैं और उनकी स्वरूप बराबर रूप जान करके कोहरा भी जैसे पानी देते हैं, पानी बरसाते हैं। कभी जितने तोते जितने पक्षी सबके सब मुनि बन जाते हैं, हिरण आकर के प्रभु को आप रूपी आरती को तरह आरती उतारते हैं, गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो जाते हैं, चंद्रमा एक जगह पर टिक जाती है, यमुना उल्टी बने लग जाती है, जिसे बंसी ध्वनि को सुन करके, इसलिए उनकी दूसरी जो माधुर्य है उनकी ये बंसी ध्वनि बंसी माधुर्य है, और तीसरा जो माधुर्य है कि प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य में उदाहरण दो चीज दिया है, पर कृष्ण में ऐसे प्रेम है, कृष्ण जब रास रचाया ना कहते ब्रह्मा की एक दिन तक 1000 चतुर्युग तक उन्होंने रास किया, 1000 चतुर्युग। लेकिन आप देखना जो आनंद में समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता, लेकिन दुख में देखना समय बीतना बड़ा कठिन होता है, दुख में समय बीतना कठिन, लेकिन आनंद में समय पता नहीं कैसे बीत जाती पता नहीं चलता भैया कब समय हो गया। इसलिए भगवान में इतने आनंद इतने रस है, गोपियों को ऐसे लगा अभी आए और अभी रासलीला अभी अभी खत्म हो गई, क्यों आनंद में। ये एक दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचारण करते वापस आते हैं, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कृष्ण बंसरी बजाते हैं, अभी बंसी ध्वनि को सुनकर के सारी ब्रजगोपियां घर से बाहर निकल कर आ जाती हैं और अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन करती हैं। दर्शन करते समय जो पलक झपकती हैं, आप देखना पलक इतने तेजी झपकती हैं पता नहीं चलता पलक हो जाती, लेकिन उतना समय भी गोपियों को लगता है बोले त्रुटि युगायते त्वां मपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुख छते जड़ दीक्षताम पक्ष्म की दृशाम। जिले इतने तेजी झपकी हैं लेकिन उनको लगता है कैसे ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कि कृष्ण इतने सुंदर देखने के लिए दो ही आंख दिए पर उसमें पलक झपकी है, पर उसमें बीच बीच में पलक झपकी रहती है, पलक झपकी पता नहीं चलता, लेकिन उनको लगता है जैसे करोड़ों युग जैसे बीत गया, कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि प्रेम माधुर्य कृष्ण, और चौथा माधुर्य क्या रह गया, रूप माधुर्य, उनकी रूप माधुर्य कृष्ण इतने सुंदर। इसलिए गोपियां कभी कभी ताना मारती है, नंद लाला तुझे होत लाली गला कट जाती है करोड़ों में, अच्छा हो गया तेरे को भगवान लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, तू इतने सुंदर हो, अगर तू लाली होता है ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए मर जाता आपस हैं, इतने सुंदर हो। इसलिए बोले भूषणां भूषणां में हम लोग क्यों आभूषण धारण करते हैं, सुंदरता के लिए है ना, सुंदर हमारी सुंदरता बढ़े, लेकिन भगवान को क्यों आभूषण पहनाया जाता है, सुंदरता के लिए नहीं, आभूषण सुंदर बनने चाहिए, आभूषण सुंदर बनता है, भगवान सुंदर नहीं बनते। कृष्ण के जो शरीर को हम कपड़े से ढक कर क्यों रखते हैं, भैया इतने सुंदर नजर नहीं लग जाए, किसकी नजर रूप में नहीं लग जाए, इसलिए बोले कंदर सो कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन करो कामदेव भी जहाँ पर हैं, करो कामदेव भी जहाँ लज्जित हो जाते हैं प्रभु की रूप पर देख करके, कृष्ण इतने सुंदर हैं, बोले सुंदर किम असुंदरम, वो सुंदर था असुंदर क्या है, इतने सुंदर नारायण कब सुंदर नहीं, लेकिन लक्ष्मी जब सुंदरता को सुनती है वैकुंठ त्याग दे देती है, वैकुंठ त्याग दे देती है, इसलिए नारायण भी वो भी कब सुंदर नहीं, लेकिन कृष्ण की जब लीला कथा सुनते हैं वो चोरी करते हैं, बच्चों को चोरी किया उन्होंने, बोले क्यों, बोले कृष्ण दर्शन मिले हैं, जब कृष्ण गए बोले तुमने बच्चों को क्यों चुराया, बोले प्रभु तेरे रूप देखने के लिए मैंने बच्चों को चुराया, लो ये बच्चों को ले जाओ हमारे अहोभाग्य आपका दर्शन हुआ, और
कहते कृष्ण माधुर्य स्वरूप वासुदेव रखो, कृष्ण एक ही है, लेकिन जो वृंदावन का जो कृष्ण की माधुर्य सुन करके जो मथुरा के जो कृष्ण वो पागल हो जाते हैं, उनका मन में खोह होता है, भैया मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, इनके रूप को मैं कब दर्शन करूं, हैं इनके रूप कब देखूं, अरे कृष्ण कृष्ण रूप देख करके मुग्ध हो जाते हैं। कभी मणि स्तंभ में अगर कृष्ण का तस्वीर कहीं पड़ता है ना परछाई, कृष्ण कहते हैं अपरकलित पूर्वम कष्ट मत कारक, भैया कौन है ये, है कौन इतने सुंदर, इसलिए इनकी मन में इच्छा होता है मैं राधा रानी कब बनूं, और राधा रानी कृष्ण का आलिंगन करती है, मैं कब इनका आलिंगन करूं, इतने सुंदर कृष्ण है। इसलिए चतुर्थ माधुर्य कौन सा हो गया, इनके रूप माधुर्य, इसलिए ये ग्रंथ का नाम क्या है, माधुर्य कादंबिनी है, माधुर्य कादंबिनी, इसलिए मधुरता रूपी मेघ माला है, जैसे रेगिस्तान में पाली बड़ी गर्मी रहता है, शुष्क मरुभूमि, लेकिन अगर कहीं बारिश हो जाए तो आसपास में देखना उसको कोमल कोमल ठंडी ठंडी हवा आकर उसको भी एकदम सुशीतल बना देती है, उसको सुशीतल बना देती है, क्योंकि उसी तरह हमारा जो हृदय है वो भी सूखा भूमि मरुभूमि हमारे हृदय, भगवान की दुनिया की बात सुनो बड़े उसमें डूब जाते हैं, लेकिन भगवान की जो कथा है ना हमें आनंद नहीं देती है। लेकिन अगर ये महामाधुर्य का आदमिनी कहते भैया जो कृपा किसकी कृपा, कृष्ण की, बोले कृष्ण की और राधा की, कृष्ण की कृपा कितना सुंदर है, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपति, कृष्ण कह रहे हैं करुणा की सिंधो दीनों का बंधो, और राधा रानी उनसे भी ज्यादा दया, इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित जन, राधा रानी को बताए वैदग्ध सिंधु रसमूर्ति कृपायक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपायक सिंधु, इसलिए बोले श्री राधे के स्फुरत में हृदय खेल सिंधु, जैसे सात समुद्र होता है उसी तरह राधा रानी के अंदर में भी करुणा की सिंधु कृपा के सिंधु वात्सल्य के सिंधु वैदग्ध सिंधु लावण्य सिंधु सारे सिंधु श्री राधा जी के अंदर, सप्त समुद्र श्री राधा जी के अंदर, कृष्ण दयालु और उनसे दयालु कौन है, उनसे दयालु कौन है, राधा रानी, अगर ये दोनों को दया मिल जाए तो, इनके दोनों को दया मिल जाए तो फिर कितने दया होते हैं, इसलिए कहते हैं जो माधुर्य का आदमी किसकी माधुर्य का आदमी, बोले महाप्रभु के, महाप्रभु की ये जो मेघ माला कृपा महाप्रभु की है, इसलिए बोले कृष्ण प्रेम आय से जार दूर दर्शन, महाप्रभु अगर किसको दूर से देख लिया ना, इसलिए अगर कृष्ण किसको दूर से देख लिया तो कृष्ण प्रेम आ जाता है, इसलिए है? इसलिए बोले को कृष्णा अन्न को बा, उसमें एक श्लोक बताए ऐसे कौन सा अवतार हुए हैं जो लता स्वामी प्रेम दो भगवती, जिन्हें लता पताम को भी प्रेम दिया, कृष्ण ने लता पताम को प्रेम दिया, कृष्ण जब बंसी बजाते थे वृक्ष से मधु झरती थी, वृक्ष अपने आप झूम जाते थे, कृष्णा को सुंदर फूल है कृष्ण को बड़े फूल बरसाया करती थी, इसलिए लता पताम को भी प्रेम किसने दिया, कृष्ण, लेकिन उनसे भी दयालु महाप्रभु जो बाघ को हिरण को जानवर को सांप को पशु पक्षियों को महाप्रभु ने कृपा दिया, एक स्थान है झारखंड, क्या नाम है झारखंड, अभी भी महाप्रभु जब उधर होते हुए जा रहे थे कैसे सर्प से लेटा हुआ था, कैसे वह पिघल गया, अभी वो चिन्ह है वहां पर हाथी का चिन्ह है, कृष्ण महाप्रभु हाथी को उठाओ बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, वो भी हरे कृष्ण नाम करना शुरू कर दिया, हाथी जानवर पशु पक्षी चिड़िया सबके सब हरी बोल प्लस निताई गौर प्रेमानंद हरी बोल, इसलिए उन्होंने सबको महाप्रभु ने प्रेम दिया है, इसलिए महाप्रभु का जो प्रेम की जो दान है ये सर्वोत्तम दान उसने
तद आवध करुणा सिंधु काटिया मुहाना धरे धरे बोले प्रेम आमियार नित्यानंद प्रभु क्या किया कद बांध था एक तरफ से पानी पानी एक तरफ से सुखा सुखा हो लेकिन आप फावड़ा लेके बांध को काट दो फिर क्या होगा तेजी से पानी आएगा सामने जो आएगा ना उसको डुबो करके ले जाएगा उसी तरह महाप्रभु का जो कृपा है ना वो बंधा हुआ था बांध जैसे और नित्यानंद प्रभु काट दिए और वो बाढ़ आया नवद्वीप से बहते बताया नवद्वीप से पूरा नवद्वीप को डुबाया सारा दुनिया को डुबाया और डुबा डुबा बड़ोदरी आ गया बड़ोदरी आ गया और बड़ोदरा आकर सबको भी यहाँ डुबा दी सबको भी यहाँ पर हमने सबको भी यहाँ पर डुबा दी है इसलिए जो माधुर्य कादंबिनी मतलब है महाप्रभु का जो कृपा राधा कृष्ण की जो कृपा यही मधुरता है कादंबिनी मतलब जैसे मेघ आकर पूरा गर्मी समय में सबको की ठंडा बना देती है भगवान की जो कृपा रूपी जो मधुरता अगर हमारे हृदय रूपी शुष्क हृदय में बैठेगा ना हमारा हृदय भी शांत लगे हमारे हृदय का जो ज्वलन है हृदय का जो ज्वाला है उसको एकदम ठंडा बना देगी इसलिए ग्रंथ का नाम उन्होंने ये रखा मतलब ये ग्रंथ को अगर हम सुनेंगे हमारे हृदय में जो विषय रूपी संसार धावा नललीन लोको संसार रूपी जो आग चल रही थी हृदय हमारे सुशीतल हो जाए इसलिए ग्रंथ का नाम है ठीक है इसलिए हम लोग चले जाओ आपकी ग्रंथ का काम बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Gracias.
अद्वैत आचार्य प्रभु की जय तद्यति आविर्भाव तिथि विजय तिथि पालन करे भक्त वृंद आनंद गौर भक्त वृंद गौर भक्त आज हम लोग शाम को अद्वैत प्रभु कथा सुनेंगे ठीक है देखो तुम लोग है ना कब करके ठीक